यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट का ही क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर पे के है, फाइंड के व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस यानी लिमिट एक्जिस्ट करती है, चाहे तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल से कर लें तो रूट टू इन टू साइन एक्स माइनस का, कॉट एक्स का क्या तो माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इक्वल टू के रूट टू इन टू वन बाय रूट टू, और ये रूट टू का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा टू, दिस इक्वल टू के, देन के इक्वल टू वन बाय टू, दिस इज द राइट आंसर। काफी सिंपल पेपर था, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर हम कंपेयर करें तो शिफ्ट वन जैसा पेपर है, शिफ्ट टू का पेपर के क्वेश्चन लेंथी थे, शिफ्ट नाइन्थ के वन के इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, सिमिलर पेपर था, नोट कर लीजिए। यस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत किया है, टारगेट हिटिंग वाले क्वेश्चन हमेशा मैंने आपको बताया एटलीस्ट वन होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ फोर पर्सन आर वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, वन बाय एट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिज सॉल्व, ये हमेशा वन ऑफ देम के लिए होता है, यानी इसके लिए सिंपल सा लॉजिक होता है, वन माइनस नन ऑफ देम, ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस में किए, तो वन माइनस वन बाय टू, वन माइनस वन बाय थ्री यानी टू बाय थ्री, ट्राई ये करा करिए, स्टेप कम से कम हो, थ्री बाय फोर एंड सेवन बाय एट, देखिए ये कैंसिल ये कैंसिल, अब क्या हो जाएगा वन माइनस सेवन अपॉन, ये बचेगा कितना 32, यानी 25 बाय 32, दिस इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन, किस तरह से करना है आपको पता है, हर एक छोटी स्टेप को बचाने की कोशिश करा करिए, क्योंकि हर स्टेप आपका कहीं ना कहीं 10-15 सेकंड सेव करती है, राइट, नोट कर लीजिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट में भी आया था, थीटा बिलोंग टू माइनस टू पाई टू टू पाई एंड टू कॉस का थीटा प्लस थ्री साइन थीटा इक्वल जीरो, देन सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज, यानी माइनस टू पाई से टू पाई में जो एंगल इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे उनका सम, ऑप्शन गलती से भी सेटिस्फाई मत करवा दीजिएगा यहां पर, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो, राइट, तो एक तरह से टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी आप टू साइन थीटा जब कॉमन लेंगे स्टेप लिखने जरूरत नहीं, तो साइन थीटा माइनस टू मिलेगा प्लस वन के साथ साइन थीटा माइनस टू मिलेगा। अब आपको एक चीज दिख गई, साइन थीटा इक्वल टू टू जो पॉसिबल नहीं है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू। अब सुनिए स्केल कुछ ऐसा है, एक है माइनस टू पाई से जीरो और एक है जीरो से टू पाई, राइट, बी केयरफुल साइन, अब दो बार यहां पर मिलेगा एंगल और दो बार यहां पर मिलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहां पर जो एंगल होंगे वो निगेटिव होंगे, यहां पर जो एंगल होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो अब यहां पर जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं रखता हूं थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स, देन ठीक है पाई बाई सिक्स जब रखेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, देन ठीक है एक मिलेगा पाई पाई बाई सिक्स, नहीं हाँ सेवन पाई बाई सिक्स, आपको लेना है कितना 30 के लिए लेना है 150, पाई बाई सिक्स रख के देख लीजिए, पाई पाई बाई सिक्स रखेंगे और वो भी माइनस का, ध्यान का मिलेगा, तो जब आप देखिए कभी भी कंफ्यूजन हो रख के देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन अपने आप आ जाएगा, इसका माइनस बाहर आ गया साइन पाई पाई बाई सिक्स, साइन पाई पाई बाई सिक्स मतलब हो गया 30 इंटू 150, 180 माइनस 30 देन साइन 30 और माइनस 1 बाई। अब यहां पर जब जाएंगे तो आपको मिलेगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 180 प्लस 30, 180 प्लस पाई प्लस पाई बाई सिक्स, पाई प्लस पाई बाई सिक्स यानी 7 पाई बाई सिक्स, और एक मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना मिलेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 330 के लिए तो 11 पाई बाई सिक्स, ये फोर एंगल्स मिल गए, क्या क्या माइनस पाई बाई सिक्स माइनस पाई पाई बाई सिक्स प्लस 7 पाई बाई सिक्स प्लस 11 पाई बाई सिक्स। अब इनको आपको ऐड करना है, इन सारे एंगल का सम पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा एक स्केल ये है और एक स्केल ये है, जब नेगेटिव में जाएंगे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाले एंगल हो जाएगा और जब पॉजिटिव पे जाएंगे तो थर्ड और फोर्थ। अब जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये हुआ 18, ये हुआ 6, यानी 12 पाई बाई 6, दिस इज 2 पाई, 2 पाई एंगल का सम होगा। इसमें गलती से भी ऑप्शन सेटिस्फाई करवाने की कोशिश मत करिएगा, ध्यान रखिएगा सारे रिजल्ट के एंगल का आपसे सम पूछा गया है, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखिएगा, आपसे एक पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है, जब आप जीरो से माइनस टू पाई जाएंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेना है,
क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है पर एंगल नेगेटिव आ जाएंगे दोनों, और जब आप 0 से 2π जाएंगे तो आपको मेजरमेंट यहां से करना है थर्ड और फोर्थ, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखिएगा ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस क्वेश्चन पे केयरफुल रहिएगा, नोट अच्छे से करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, शिफ्ट वन में शिफ्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे, शिफ्ट के सिंपल थे, ये भी सिंपल है, लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आया, एक्स का डिवाइड करेंगे तो 2x यहाँ पर बचेगा एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई पावर 2 log x यानी एक्स स्क्वायर, तो सॉल्यूशन होगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचेगा एक्स, राइट, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब, तो एक्स 4y4 प्लस ऑफ सी। अब क्या दिया हुआ आपको, एक्स 1 पर वाई 1 दिया है, तो ये 1 रख दीजिए, 1 इक्वल टू 1/4 प्लस सी, तो सी इक्वल टू 3/4, यानी बेसिकली सॉल्यूशन आ गया वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स 4/4 प्लस 3/4, राइट, और अब आपने इसका डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर का, तो 1/x² / 4 प्लस 3/4 x², ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, राइट, वाई एक्स। अब इसमें क्या किया एक बार स्टेप वाइज समझ लीजिए, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन मैंने डायरेक्टली करना सिखाया था, वैसे ही करने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले आपने x का डिवाइड किया होगा, 2/x y = x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। अब देखिए स्टेप जब लिखते हैं तो अपने आप ही हमारा टाइम बढ़ जाता है, e पावर 2 log x, दिस इज एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब डी एक्स प्लस ऑफ सी, तो देखिए वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स 4/4 प्लस सी, देन आपने x की वैल्यू 1 पे y निकाला, y भी 1 दिया है, तो 1 = 1/4 प्लस सी, देन c इक्वल टू 3/4 वापिस रख दिया, आंसर सॉल्व किया। बट इसकी जगह आप डायरेक्टली अगर आपके दिमाग में मेंटली सॉल्व करेंगे तो आपकी कम से कम 2-3 स्टेप सेव होंगी, यानी 20 से 30-50 सेकंड तक सेव कर सकते हैं, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या एरिया का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में भी एरिया वाले क्वेश्चन थे, ये और इजी है, बिल्कुल इनइक्वालिटी बेस्ड एरिया के क्वेश्चन थे, एक था एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, यानी ये कर्व हो गया, देखिए इक्वल टू मान के कर्व बना लीजिए, ये कर्व हो गया, और एक है वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब देखिए वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू का लॉजिकल मीनिंग ये है कि एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, यानी एक्स पर माइनस टू का इंटरसेप्ट है और वाई पर प्लस टू का, मतलब इस तरह से लाइन जा रही है, राइट। अब ये जो है वो कॉमन एरिया ये हो गया, ये कॉमन एरिया हो गया, क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर डालें, ये दो एम्प्टी एरिया को माइनस कर दें इस वाले लाइन के साथ में, ये पैराबोला का नीचे आएगा, माइनस कर दें तो एक बार में हो जाएगा। अब आपको निकालना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, और वाई इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ का पॉइंट होगा माइनस वन जीरो, ये होगा ऑब्वियसली 2 0। सिंपल हो गया क्वेश्चन, माइनस वन से टू में लाइन वाले को माइनस करिए, माइनस ऑफ माइनस वन से टू में पैराबोला, राइट, स्टेप एक्स की है, एक बार में भी कर सकते हो, दो बार में भी कर सकते हो, अलग अलग करके जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली करना डायरेक्टली कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 2x माइनस ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी प्लस ऑफ 2x अपॉन एक्स क्यूब बाय 3 2 माइनस 1। सबसे पहले 2 रख दीजिए, तो 2 रखा तो 4/2 2 प्लस 4 माइनस 8/3 माइनस 1 रखिए तो 1/2 माइनस 2 प्लस 1/3, बस कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया 6 तो 18-8 यानी 10/3 माइनस, अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 10/3, ये होगा 1/, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 तो 3 माइनस, ये हो जाएगा 12 प्लस ऑफ 2 दिस इज 5, तो माइनस 7/6 यानी माइनस का मिलेगा तो प्लस हो जाएगा कितना 7/6, देन ये कितना आ जाएगा 27/, ये हो जाएगा 2 टाइम तो 20 प्लस 7 27/6, यानी आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं 3 से अगर कैंसिल कर दें तो 9/2। यस, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 9/2, और क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह का क्लास में भी करा हुआ क्वेश्चन है, इस पूरे एरिया में से आपने इस, क्योंकि ये ओरिजिन से टच करते हुए जा रहा है तो आपको अलग अलग नहीं निकालना, नहीं तो आप सोचो माइनस 1 से 0 में निकाला 0 से 2 में निकाला, ये टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली माइनस 1 से 2 में इंटीग्रेट किया, माइनस 1 से 2 में पैराबोला को इंटीग्रेट किया, सेपरेट कर दिया, आंसर आ गया, क्लियर है बात, नोट कर लीजिए।
यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो इज टू माइनस रूट थ्री वेयर पी क्यू बिलोंग टू रैशनल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देखिए अगर एक रूट टू माइनस रूट थ्री इमेजिनरी और इरेशनल रूट में हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं तो दूसरा रूट क्या होगा? टू प्लस रूट थ्री यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया फोर और अल्फा बीटा हो गया वन. यहां पर देखें तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? पी. तो पी का वैल्यू कितना आ गया? पी का वैल्यू आ गया फोर. और अगर मैं देखूं अल्फा बीटा कितना है तो अल्फा और बीटा है वन यानी अल्फा बीटा तो क्यू की वैल्यू आ गई वन. राइट क्यू की वैल्यू आ गई वन. तो लॉजिकली देखें हम तो हमारे पास पी का वैल्यू आ गया और क्यू का वैल्यू वन आ गया. इसमें पुट करके देख लो. जैसे आपने पी की जगह पुट किया तो 16 माइनस 4 प्लस 12 ये जीरो नहीं हो रहा है. ठीक है ये करो 16 माइनस 4 माइनस 12 ये सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इज द राइट मे बी. फिर भी आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए चेक कर लीजिए. ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 माइनस इतना बड़ा हो रहा है और ये भी नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर विल बी बी बॉम्बे. राइट सिंगल स्टेप में क्वेश्चन है. आपको केवल एक रूट दिया था इरेशनल और इमेजिनरी रूट्स में हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं. एक रूट 2 माइनस रूट थ्री दूसरा हो गया 2 प्लस रूट थ्री. सम ऑफ रूट 4 और सम ऑफ रूट क्या होता है? तो माइनस ऑफ पी तो पी की वैल्यू हमें लिखना था माइनस 4. राइट पी की वैल्यू हमें लिखना था माइनस 4. प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा ये हो गया 1 तो क्यू का वैल्यू हो गया 1. अब यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस 4 का स्क्वायर यही होता है. पर एक बार इसको आप चाहो तो चेक कर लो. जैसे आपने करा 1 माइनस 4 इंटू माइनस 4 देखिए ये भी नहीं होगा 0. यहां पर करा तो ये भी नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर यही रहेगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर होने की वजह से फर्क नहीं पड़ा. पर करना ये था क्वेश्चन में. क्लियर है बात? नोट कर लीजिए.